صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل الشعب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة أول أي العراق العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 للمحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا. फ्रेंड्स 1990 की दिहाई के आखिर में सदाम हुसैन ने एक अजीबो गरीब दरख्वास्त के साथ इराक के एक खत्तात यानी कैलीग्राफर से राबता किया। सन 1979 में बरसरे इक्तदार आने वाले सदाम हुसैन सन 2003 में इराक में अमरीकी मदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान पाक की एक ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें स्याही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सदाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते थे ताकि वो इसमें से इनका खून निकाल सके जिसके जरिए ये कुरान पाक लिखा जाना था। इस तमाम प्रोसेस पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बारह सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान पाक के 650 सफात लिखने के लिए सदाम हुसैन का तकरीबन 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अलग अलग सफहात पर मुश्तमिल इस कुरान पाक के नुस्खे को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। ये मस्जिद भी सदाम हुसैन ने खुद तामीर कराई थी। इस मस्जिद में 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार क्लैशनकोफ AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। इस कुरान पाक की तकरीब रुनुमाई को इराकी और बैनुल अक्वामी मीडिया ने भी कवर किया था। 25 सितंबर सन 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदाम हुसैन ने कुरान का ये नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह पाक इन्हें इनके सियासी सफर में साजिशों और खतरात से महफूज रखें। फ्रेंड्स उस जमाने में सरकारी मीडिया को रिलीज किए गए अपने खत में सदाम हुसैन ने कहा था कि मेरी जिंदगी खतरात से घिरी हुई है जिसमें मेरा बहुत ज्यादा खून जाया हो सकता था, मगर मेरा इंतहाई कम खून जाया हुआ। फिर मैंने दरख्वास्त की कि खुदा की किताब के अल्फाज मेरे खून से लिखकर नजराने अकीदत पेश किया जा सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस दौर में अपनी जात के दरपेश बहरानों से गुजर रहे थे। बाज़ माहिरीन के मुताबिक वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो सितंबर 1996 के एक हमले में अपने बेटे अदा सदाम हुसैन के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स साल में 4 मरतबा 470 मिलीलीटर खून तक का अतिया कर सकता है। सरकारी आदादोशुमार में बताया गया कि सदाम हुसैन ने ये तमाम खून 2 से 3 बरसों के दौरान अतिया किया जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदाम हुसैन को कुछ चीजों का डर और वहम था, मसलन वो रवायात के बरक्स सदारती महल आने वाले लोगों से ना हाथ मिलाते थे और ना ही गले मिलते थे। सदाम हुसैन को नजला होने का डर रहता था। जब अक्सर वो रात के खाने पर जाते तो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। सदारती महल में इनका अपना शेफ था और एक स्पेशल लैब थी जिसमें खाने में जहर की मिलावट की जांच की जाती थी। सन 2003 में सदाम हुसैन के जवाल के बाद खून से लिखे गए कुरान पाक के इस नुस्खे को छुपा दिया गया। इसे उसी मस्जिद में 3 दरवाजों के अंदर महफूज कर लिया गया ताकि इससे उनके ताल्लुक को ख़त्म किया जा सके। हर सफ़े को बुलेट प्रूफ शीशे के खानों में रखा गया था। इस कुरान पाक के नुस्खे को हासिल करने के लिए 3 चाबियां दरकार थीं और कुरान के तमाम सफ़ात एक ही जगह पर महफूज नहीं किए गए थे। अमरीकी मुदाखलत के बाद इन सफ़ों की निगरानी पर मामूर एक शख्स ने बरतानवी अखबार द गार्डियन को बताया कि इस नुस्खे को हासिल करने के लिए 3 चाबियाँ दरकार होती हैं। इसकी एक चाबी मेरे पास है, एक इलाके के पुलिस के सरबराह के पास और तीसरी चाबी बगदाद के किसी दूसरे हिस्से में रखी गई है। द गार्डियन के इस सहाफी को इस नुस्खे तक रसाई नहीं दी गई थी और इसे बताया गया कि इसके लिए कमेटी की इजाज़त दरकार है। फ्रेंड सदाम हुसैन के खून से लिखे गए इस नुस्खे को लिखने वाले खत्तात अब्बास शाकिर जोदी ने इराक छोड़ दिया था और एक अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुंतकिल हो गए थे। फ्रेंड्स यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कुरान पाक क्या अब भी बगदाद की इस मस्जिद में छुपा कर रखा गया है
इस नुस्खे तक रसाई रखने वाले कुछ अफराद ने तस्दीक की कि इस कुरान पाक के कम अज कम 6 सफहात अब भी वहां मौजूद हैं, जबकि कुछ इराकी लोगों के मुताबिक इसे खुफिया तौर पर सऊदी अरब को हदीये के एवज दे दिया गया था, जबकि बाज ये समझते हैं कि अब ये कुरान पाक सद्दाम हुसैन की बेटी की मलकियत में है जो कि उर्दन में रहती है, मगर किसी भी बात का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था सद्दाम हुसैन की जिंदगी का एक बेहतरीन पहलू। आप इराकी सदर सद्दाम हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।